अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। अपने टॉपिक को आगे बढ़ ले जाते हैं जी। तो हमारे पास है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेन मेमोरी को स्टडी करते हैं जी। तो जिसमें हमारे पास थ्री टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जिसको जो एक्सट्रीमली फास्ट होती है हमारे पास, और डायरेक्ट एक्सेस फॉर द सीपीयू टू एक्सेस इट। सही है जी। तो इसका ये हमारे पास इसका जो फ़ायदा है कि ये एक तो डायरेक्ट एक्सेस है जी सीपीयू को, सीपीयू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और ये दूसरा क्या है, फास्ट है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं या इसको फर्दर जो कैटेगराइज़ किया गया है वो कुछ यूँ है कि इसको दो चीज़ों में कैटेगराइज़ किया है, एक कैश मेमोरी में और दूसरा हमारे पास रजिस्टर्स में। तो कैश मेमोरी हमारे पास जो है ये रैम और सीपीयू या प्रोसेसर के दरमियान लाई करता है, रैम एंड सीपीयू या प्रोसेसर के दरमियान लाई करता है। ये फास्ट मेमोरी होती है, और सीपीयू या प्रोसेसर को जब भी किसी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले क्या करता है, ये रैम में चेकआउट करता है। और इसको फर्दर पर कैटेगराइज किया है थ्री लेवल्स में। L1 हमारे पास ये जो है डायरेक्ट एक्सेस होता है प्रोसेसर को, इसको ये बिल्ट इन होती है टू एक्चुअल प्रोसेसर कोर्स को, और इसका तकरीबन सेम स्पीड होता है जिस तरह के सीपीयू का होता है। और इसका सबसे जो वो है कि ये एक्सपेंसिव होती है, और सबसे हाई स्पीड इसकी L1 मेमोरी की हमारे पास होती है। दूसरा हमारे पास L2 है, Level 2 कैश मेमोरी, जिसको ये तकरीबन L1 से थोड़ा सा स्लो है, लेकिन साइज़ में इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और ये इंफॉर्मेशन को रैम से लेकर जो है इसको L1 में प्रोवाइड करता है। रैम से इंफॉर्मेशन लेता है और इसको L1 में प्रोवाइड करता है। और इस तरह हमारे पास फिर L3 कैशे हैं या Level 3 कैशे हैं। Level 3 कैशे का काम क्या होता है कि ये जो है ये हमारे पास उन इंस्ट्रक्शंस को जो माइक्रो प्रोसेसर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है ये उनको स्टोर कर लेता है। ये बनिस्बत L2 के लार्ज होती है, और इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो होता है। तो समझ आ गई जी कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी हमारे पास सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। सही है। ये हमारे पास किस लिए यूज़ होती है कि ये हमारे पास स्टोर इंस्ट्रक्शंस जो रिपीटेडली यूज़ होते हैं हमारे पास, उन इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करता है जो हमारे पास रिपीटेडली यूज़ होते हैं। फिर ये रैम और सीपीयू के दरमियान लाई करता है जी, और इसको फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है इसके स्पीड और स्टोरेज के साइज़ के हवाले से L1, L2, L3 में, Level 1, Level 2, Level 3 में। ये जो है ये प्रोसेसर कोर के बिल्कुल करीब होता है, और इसका स्पीड तकरीबन सेम ही होता है जिस तरह का प्रोसेसर या सीपीयू का होता है। फिर L2 जो है ये रैम से कलेक्ट करता है डेटा को, और L1 में इसको पास करता है, और L3 जो है ये इंस्ट्रक्शंस को अपने आप में स्टोर करता है, और फिर इन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर को प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, अभी चलते हैं रजिस्टर की तरफ। ये हमारे पास स्मॉल मेमोरी यूनिट्स होते हैं। सही है जनाब, जो कि प्रोसेसर के इनसाइड होते हैं, स्मॉल मेमोरी यूनिट्स। ठीक है जी, और ये प्रोसेसर के इनसाइड होते हैं। ये इनका काम क्या होता है कि टेम्परेरी स्टोरेज होती है। इनका काम क्या होता है कि टेम्परेरी स्टोरेज एंड पास इट टू द प्रोसेसर विन नीडेड। ये टेम्परेरीली किसी डेटा को स्टोर करता है, और जब प्रोसेसर को इसकी ज़रूरत होती है तो इसको दे देता है। इसके एग्जांपल्स हमारे पास एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि ये जो है ALU एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है कि ये जो है ALU से जो रिजल्ट्स आ जाते हैं ये अपने आप में इसको स्टोर कर लेता है। इस तरह हमारे पास PC है या प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर का क्या, ये रजिस्टर है सारे। ये प्रोग्राम काउंटर जो है हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस का जो एड्रेस है ये अपने आप में स्टोर कर लेता है। इस तरह हमारे पास स्टेटस रजिस्टर है। स्टेटस रजिस्टर का काम क्या होता है कि जब भी हमारे पास सिस्टम में ओवरफ्लो आ जाए, या इस तरह हमारे पास कैरी बिट जो है, ये कैरी फ्लैग हमारे पास आ जाए, तो ये इन चीज़ों को जो है इसका स्टेटस को चेकआउट करता है। तो अभी हम दूसरा, ये इंटरनल मेमोरी हमारे पास हो गया। दूसरा टाइप जो है ये हमारे पास क्या है, रैम है।
रैम से जो है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस लिए स्टैंड होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी को स्टैंड करता है, सही है। तो इसका इसका जो हमारे पास क्या है कि इसके जो टाइप्स हैं, ये हमारे पास एक स्टैटिक रैम है और एक हमारे पास डायनेमिक रैम है। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम में क्या फ़र्क है कि ये स्टैटिक रैम हमारे पास ये पीरियोडिकली रिफ्रेश नहीं किया जाता डेटा को रिटेन करने के लिए, नॉट पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड टू रिटेन द डेटा। और जबकि हमारे पास डायनेमिक रैम जो है ये इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश किया जाता है ताकि हम अपने डेटा को रिटेन करें, पीरियोडिकली रिफ्रेश्ड टू रिटेन डेटा, सही है जनाब। इस तरह हमारे पास थर्ड जो कैटेगरी है ये रोम है। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और ये हमारे पास, अच्छा रैम हमारे पास क्या है, ये वोलेटाइल कैटेगरी में भी लाई करता है, इसको भी याद रखना है आपने, वोलेटाइल मेमोरी। और ये जो रोम होता है ये हमारे पास क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब पावर के जाने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है इसमें प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी में, जो वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है, दोबारा इसको प्रोग्राम नहीं किया जा सकता, वन टाइम प्रोग्रामेबल, सही है जी। दूसरा हमारे पास EEPROM है, जिसको जो है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास जो डेटा हम इसमें रीड कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं, इसको इरेज किया जा सकता है तकरीबन 20 मिनट अगर इसको अल्ट्रावायलेट रेस के सामने रखा जाए। फिर इस तरह थर्ड टाइप हमारे पास EEPROM है, जिसका जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसको हम नंबर ऑफ टाइम जो है ये क्या कर सकते हैं, रीड एंड राइट कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ मेमोरी हो गई। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं जी सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। ये पिछला जो सारा सब कुछ हमने पढ़ा ये क्या प्राइमरी मेमोरी की तरफ, प्राइमरी मेमोरी के बारे में था, अभी हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास एक होता है सीक्वेंशियल डेटा, सीक्वेंशियल मेमोरी, जो है लीनियर फॉर्म ऑफ डेटा है स्टोरिंग का, मतलब इस तरह के ये सीक्वेंस में अपने डेटा को स्टोर करता है, लीनियर सीक्वेंस में अपने डेटा को स्टोर करता है, सही है जनाब, लीनियर सीक्वेंस में अपने डेटा को स्टोर करता है। इसकी सिंपल सी मिसाल हमारे पास कैसेट होती है, जो आपने देखे होंगे अगर, जो हमारे पास उसके कैसेट्स होते थे VCR वगैरह के, इसमें हम जो है वो लीनियरली, मतलब उसका इस तरह रोटेट होता था, इस तरह रोटेशन होती है, वो लीनियरली इसको स्टोर कर लेता है इस डेटा में। अच्छा जी, दूसरा टाइप जो हमारे पास है वो है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसमें हमारे पास जो है ये इंडिपेंडेंट होता है, सही है। ऑल डेटा आइटम्स जो हमारे पास होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर इन्हेसार नहीं करते, मतलब जिस डेटा को हम चाहें उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये जो ऊपर का सीक्वेंशियल डेटा है ये हमारे पास चीप होता है और ये हमारे पास थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। और इसकी मिसाल हमारे पास क्या है जी, इसकी मिसाल हमारे पास जो DVDs हम यूज़ करते हैं या हमारे पास जो फ्लैश मेमोरीज हैं ये सारी इसमें लाई करती हैं, सही है जनाब। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज के जो डिवाइस के मुख्तलिफ टाइप्स है उसमें हमारे पास मैग्नेटिक टेप है जी, जिसमें हम जो है अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में, या इस तरह हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है, सही है जी, इसमें भी हम जो है अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स है इसकी, या कुछ टाइप्स है, या ऑप्टिकल डिस्क है हमारे पास, सही है जनाब। और इस तरह हमारे पास चिप मेमोरी, ये सारी एग्जांपल्स जो है या सारे इस सेकेंडरी स्टोरेज के टाइप्स है। तो ये इनसे आप इसको जो है आप सर्च कर सकते हैं बेशक, और इसको थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में इस तरह कुछ और कोई ख़ास बात नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स के ज़रिए से हमारी हौसला अफज़ाई कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।